रिकॉर्डिंग ऑन हो गया उसमें। हाँ पीछे देख लिए, एक बार चेक कर लो। हो जिया हो बिहार के लाला, जिया तू हजार साल। ओ गुरु, हाँ जी, चालू करें। 1 2 3 एक्शन। नमस्ते देवियों और देवताओं, स्वागत है एक और वीडियो में यार। और गाइस, अमित मिश्रा फ्रॉम ट्रायोटेक वंस अगेन। तो एक बार फिर से जी हां, और एक्चुअली आए थे मुंबई, और मुंबई के लिए आए थे, एक मीटअप था यहाँ पे, वेब फेयर करके था मीटअप। तो उसके बारे में एक ब्लॉग ये बनाया हुआ है भाई साहब ने, तो इनके चैनल पे आप लोग देख लेना। तो फिलहाल इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ई बुक सेल करके लाखों रुपए कैसे कमाए, और यहाँ पर कुछ हवा हवाई बातें नहीं होंगी। अमित भाई ने खुद ऐसा किया हुआ है, तो अमित भाई अपने टिप्स शेयर करेंगे कि आप लोग भी कैसे ईबुक वगैरह सेल करके एक पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हो। राइट अमित भाई? परफेक्ट। तो अमित भाई को मैं ज्यादा इंट्रोड्यूस नहीं कर रहा हूँ, ये एक ब्लॉगर है, यूट्यूबर है, और काफी बड़े बड़े लोगों तक पहुंच है, जैसे आपके भाई की पहुंच है। और आज इनसे मैं फिर से बात कर रहा हूँ आज। तो अमित भाई सबसे पहले तो स्वागत है फिर से हमारे चैनल पे। थैंक यू सो मच दोबारा से चैनल पे लाने के लिए आपका। और भाई थोड़ा मैं थका सा दिख रहा हूँ अभी, हम भी थके से दिख रहे हैं एकदम। मतलब मीटअप के बाद, इवेंट के बाद जस्ट आ रहे हैं, तो थोड़ा सा आराम किया और थोड़ा रूम मतलब ठीक है, काम चलाओ, सस्ता वाला लिया है अभी। बहुत खर्चा हो गया भाई ने बोला। तो चलिए अमित भाई, ई बुक के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले ये बताइए, ई बुक के बारे में थोड़ा सा एक नॉलेज शेयर कीजिए। ई बुक क्या होता है एक्चुअली में, जिनको नहीं पता है, जो ऑडियंस देख रहे हैं, ई बुक एक्चुअली क्या होता है? तो ई बुक्स होती हैं नॉर्मल, जैसे आप अपनी पेपर बैक वाली बुक्स होती हैं जो आप फिजिकली पढ़ते हैं, बट इलेक्ट्रॉनिक बुक्स होती हैं जो कि आप अपने फ़ोन में, टैबलेट में, आप इलेक्ट्रॉनिक्स को एज अ पीडीएफ फॉर्म में डाउनलोड करके पढ़ते हैं। तो नॉर्मल यही है आज के टाइम में, जैसे किंडल आप सबको पता है, तो बस यही रहता है कि आप अपना गैजेट यूज़ कर सकते हैं, उसको गैजेट पे पढ़ सकते हैं, मतलब कहने का मतलब यही है। एग्जांपल के लिए मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि आपने देखा रहेगा पहले कॉमिक्स हम लोग पढ़ते थे, अभी क्या कॉमिक्स का जो नया फॉर्मेट पीडीएफ में आ चुका है, मतलब एक तरीके का वो भी ई बुक है। और भी बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जो नॉलेज वाली चीज़ें हैं, जैसे कि एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में होती हैं, या फिर किसी भी चीज़ को गाइड किया गया रहता है, एक बुक बनाया गया रहता है किसी ब्लॉगर के थ्रू, या फिर जो भी उसमें महारत जिसने हासिल करी है तो अपने टिप्स को शेयर करता है, उसी को ई बुक बोलते हैं। मतलब उसमें कुछ थोड़ा ज़्यादा ही रहता है, मतलब वो नॉलेज आदमी शेयर करना चाहता है, और वो इजीली डाउनलोडेबल होती हैं आपको, और ये नहीं है कि आपको उसको कहीं कैरी करना, आप अपने स्मार्टफोन में भी इसको डाउनलोड कर सकते हो और कहीं पे भी एनी टाइम पढ़ सकते हो, सिंपल सीधी सी बात। तो गाइस देखो, एक और चीज़ मैं बता दूं कि अमित भाई ने खुद की ई बुक बनाई हुई है, साथ में दूसरों की भी ई बुक सेल करवाते हैं अपने यूट्यूब चैनल पे। तो आपने कौन सी ई बुक बनाई थी? देखिए मैंने अभी 2 ई बुक अभी तक बनाई हैं, जिसका एक थी, मैंने उसमें कुछ आइडिया शेयर किए थे जो मेरे लिए काम किए थे, और कुछ ऐसी स्ट्रेटजीज थी ऑनलाइन मनी मेकिंग के ऊपर, तो वो मैंने बना के 149 रुपीज़ में उसको सेल आउट किया, अच्छी सेल हुई। उसके बाद फिर जब मुझे लगा कि यार यहाँ से अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, तो फिर मैंने एक और ई बुक बनाई जो कि अफिलिएट मार्केटिंग के ऊपर जितना मुझे पता था। पहला वाला ई बुक का नाम क्या था? उसका था ऑनलाइन मनी मेकिंग के ऊपर था, उसमें था क्विक, मतलब ऐसे ही मैंने नाम रखा था, नाम तो एग्जैक्टली याद नहीं है। दूसरी वाली थी अफिलिएट मार्केटिंग, जो कि मेरा आप सब जानते हो मेरा मेजर रेवेन्यू सोर्स अफिलिएट मार्केटिंग से आता है। तो मैंने सोचा कि जो जिस तरीके से मैं अर्निंग कर रहा हूँ, तो मे बी ऑडियंस को भी पता लगे, हालांकि मैं उनको फ्री वीज भी देता हूँ, बट जो लोग चाहते कि लाइक वो कुछ सीखना चाहते हैं, लाइक मैं उस पर अपग्रेडेड वर्जन भी देता हूँ, वर्जन 1.1, वर्जन सेकेंड वर्जन, आने वाला फ्यूचर में उसके और वर्जन आएंगे। तो मतलब नॉर्मल यही रहता है, तो मेन जो गोल है उससे कि भाई ऑडियंस को वैल्यू देना। और अब कोर्सेज आप देखते हो, अगर आप अफिलिएट मार्केटिंग कोर्स करने जाओगे तो आराम से, अगर ऑफलाइन इंस्टीट्यूट में जाओगे तो आपको 50,000 से 60,000 रुपये पे करना पड़ेगा। अफिलिएट मार्केटिंग सीखनी है तो उसका 20,000 से 30,000 रुपये पे करने हैं। बट वही चीज़ मैंने कोशिश की है कि मैं आपको कम से कम जो कि एकदम टेक्स्ट फॉर्म में और एकदम 250 रुपये में दे रहा हूँ, और वो चीज़ें आपको एक जगह पे मिल जाएंगी। ऐसा नहीं कि आप इंटरनेट पे ढूंढते फिरोगे कि अफिलिएट मार्केटिंग में कौन सी चीज़ है, सर्च करते रहोगे, उससे अच्छा एक जगह पे आपको मिल जाती है। और अगर आप किसी चीज़ को पे करके जब मतलब कोई चीज लेते हो तो थोड़ा वैल्यू रहता है उस चीज़ की। अगर आपको फ्री में जो चीज़ें मिल रही है ना, आप उतना वैल्यू नहीं करोगे, तो ये बात आ जाती है। और ऐसा नहीं है कि भाई ने 149 की जो लॉन्च करी है, भाई ने कितनी सेल हुई थी अभी तक? तो बहुत अच्छी सेल हुई है, तकरीबन आपको बता दें 1.5-2 लाख तक इन्होंने सेल कर दिया, 1.5-2 लाख रुपए का सेल कर दिया है, तो वो कम्प्लीटली इनका पूरा मुनाफा होता है, 100% मुनाफा होता है। मतलब फायदा है कि एक पैसिव इनकम है, यानी कि आप सो रहे हो
कुछ भी कर रहे हो, बाथरूम में हो, कहीं भी हो, आपको पैसे आ रहे हैं, मतलब सेल हो रहा है, पैसे आ रहे हैं डेली। आराम से अगर देखो तो 4 से 5 बुक्स तो बिक जाती हैं। सिर्फ एक बार मेहनत करी भाई ने, पूरा दिमाग लगा के पेशेंस के साथ में लिखा उसको, कितने वर्ड्स का होगा वो? तो अगर मैं बात करूं जो मैंने पेजेस थे 50 पेजेस मैंने उसमें रखे थे, देन जो मैंने दूसरी बुक बनाई थी जो अफिलिएट मार्केटिंग के ऊपर, उसमें पेजेस मैंने थोड़े ज्यादा ऐड किए थे और जो चीजें हैं और अच्छे से डिस्क्राइब करने की कोशिश की थी। अभी एक और ई बुक आने वाली है जो कि ईमेल मार्केटिंग के ऊपर है, तो उसको भी मैंने अभी बहुत मेहनत से लिख रहा हूँ और जितनी भी नॉलेज अपने को आती है सारी उसमें डालने की कोशिश है। अभी वो प्रोसेस चालू है, आने वाले टाइम में जब वो बन जाएगी तो आप सबको पता चल जाएगा। गाइस आपने पैसिव इनकम का नाम सुना रहेगा, तो एक ई बुक सेलिंग पैसिव इनकम में वन ऑफ द बेस्ट एक जरिया है कमाने का, सोर्स है, और मैं रिकमेंड करूंगा ई बुक। मैं भी जल्दी लॉन्च करूंगा, अपने जो भी मेरे यूट्यूब के जो भी एक्सपीरियंस रहेगा वो मैं अपने तरीके से शेयर करूंगा। तो पैसे वैसे ज़्यादा नहीं रखूंगा मैं, लेकिन फ्री भी नहीं रखूंगा। फ्री रखूंगा तो फिर लोग, मतलब देखो फ्री में वही बात है ना कि अभी देखो जैसे मेरे पास अभी कुछ कोर्सेज है, अगर जैसे मुझे ब्लॉगिंग सीखना तो कुछ ऐसे कोर्सेज है जिनका प्राइस 20,000 रुपए 30,000 रुपए है। उन लोगों ने क्या किया कि मुझे अपने क्रेडेंशियल दे दिए कि अमित भाई जाइए आप हमारे कोर्सेज को देख सकते हैं, आपको अच्छा लगे तो इफ यू तो आप इसको आगे प्रमोट कर सकते हैं। बट मैंने उसको आज तक देखा ही नहीं कि भाई उसमें है क्या, थोड़ा बहुत 4-5 वीडियो देखे फिर छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि मैंने पैसे नहीं दिए ना उसके। अगर मैंने पैसे दिए होते तो मैं उसको जरूर पूरा एक ए टू जेड पूरा कोर्स देखता। तो ये थोड़ी सी यहाँ बात होती है। तो थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट अगर आप कर रहे हो तो आप उसको अच्छे से पढ़ते हो, दैट इज द थिंग। एक और चीज अमित भाई, आप ये मेरे को बताइए कि ई बुक को मतलब कोई टूल है लिखने के लिए या फिर कैसे करना है ई बुक बनाना? नॉर्मल इतना कोई इसमें टूल की भी जरूरत नहीं है। बाकी अगर आप लिखना चाहते हो तो मैं आपको गूगल डॉक्स रिकमेंड करूंगा, आप उससे भी लिख सकते हो, कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो, उसका बेनिफिट ये रहता है। और थोड़ा बस नॉर्मल आपको थोड़ा बहुत आना चाहिए, आपकी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स ना हो, थोड़ा प्रूफ रीड कर लीजिए कि भाई। हाँ आप चाहे तो हिंदी में भी लिख सकते हैं। हाँ हिंदी में भी लिख सकते हो, तो आपने बताया था वो प्लगइन मेरे को टाइप करने में इजी रहता था, राइट? गूगल इनपुट, आई थिंक गूगल इनपुट टूल था। हाँ गूगल इनपुट टूल करके आपने जो बताया, तो उससे आप हिंदी में टाइप करके हिंदी में ई-बुक्स लिख सकते हो। नॉर्मल इंग्लिश में तो अच्छा, कोई लिख लेता है। लोग ई-बुक्स लिख सकते हैं कैसे, लोग किस टाइप के लोग? ऐसा कुछ स्पेसिफिक नहीं है कि कुछ लोग ही ई बुक लिख सकते हैं, कोई भी लिख सकता है। इफ़ यू हैव सर्टेन नॉलेज, आपको किसी एरिया में किसी फील्ड में अच्छी स्किल है, आपको लगता है कि मैं इसमें अच्छे 2-3 साल से काम कर रहा हूँ, मुझे अच्छी नॉलेज है, तो आप कोई भी इंडस्ट्री रहने दीजिए, चाहे कुकिंग की रेसिपीज आप बना के डाल सकती हैं, उसके बाद फिर आप देखें तो जो भी आपका एक्सपर्ट है, फोर्टे है, उसको आप नॉर्मल एक ई बुक के फॉर्म में बना के डाल सकते हैं। लगता है कि वैल्यूएबल है तो उसकी एक प्राइस रखिए। हाँ अगर आप वैल्यू मेन ट्राई करिए कि आप वैल्यू दीजिए पब्लिक को, क्योंकि वो बंदा भी अगर आपको थोड़ा सा पे कर रहा है तो उसको भी वैल्यू मिलनी चाहिए। सीन क्या होता है पहले, अभी जैसे जो ट्रेडिशनल चीजों में जो बुक्स होती थी वो पब्लिशर को दी जाती थी, वो वहां से छप के आती थी, फिर उसकी उसका भी एक कमीशन होता था। लेकिन यहाँ पे क्या आप खुद लिख रहे हो, आपको क्या करना है, इंस्टा मोजो पे सेटअप करना है ना? इंस्टा मोजो पे आप सेटअप, इंस्टा मोजो एक आपको पता होगा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे ऑनलाइन, हाँ आप मतलब डिजिटल प्रोडक्ट सेल कर सकते हो, इवन फिजिकल प्रोडक्ट्स भी सेल कर सकते हो, बट आज के टाइम में डिजिटल प्रोडक्ट्स के लिए ज्यादा जाना जाता है। आपको बस लिस्ट करना है और आपको अकाउंट बनाना है वहाँ पे, तो इंस्टा मोजो आप चेकआउट कर सकते हैं। और इसके बारे में अगर आपको ट्यूटोरियल जानना है कि इंस्टा मोजो पे ईबुक्स कैसे सेल करते हैं, तो उसका मैंने अपने ब्लॉग पे पोस्ट किया था, तो उस ब्लॉग पोस्ट का मैं नीचे लिंक दे दूंगा, और साथ में भाई की वीडियो देख सकते हो, काफी अच्छे से इन्होंने एक्सप्लेन किया। हाँ मैंने वो वीडियो बनाई है, उसमें लिटरली बताया कि मैंने किस किस तरीके से आप सेटअप कर सकते हो सारी चीजें, आप उसको एक बार देख लीजिएगा। और भाई एक बार अर्निंग तो आपने जैसे हमने डिस्कस किया था कि कुछ 1.5-2 लाख का इन्होंने किया है, मैं स्क्रीनशॉट यहाँ पे लगा दूंगा। और कुछ भी ऐसा कुछ मतलब हवा हवाई चीजें नहीं है भाई, एक प्रूवन चीज है, भाई ने किया हुआ है और भाई के ऊपर मुझे भरोसा है, और भाई कर भी रहे हैं, काफी अच्छा कर रहे हैं, मजा आ रहा है, और बड़े बड़े इवेंट्स में भाई एज ए स्पीकर जा रहे हैं, तो इतने गजब के अचीवमेंट्स। और साथ में मैं एक चीज दिखाना चाहूंगा, इनको सर्टिफिकेट मिला हुआ है, ये एज ए स्पीकर थे और उन्होंने काफी अच्छी नॉलेज शेयर करी यूट्यूब से रिलेटेड, तो इनको ये चीज मिला है और एक रिवार्ड के तौर पे आई थिंक काफी अच्छा। कैसा फील हो रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है यार, मतलब आज इवेंट था अपना, आज ही खत्म हुआ है, जैसे उसके बाद हम यहाँ पे शूट कर रहे हैं, और मतलब बहुत अच्छा लगा। पब्लिक का रिस्पॉन्स वॉज ऑसम, पब्लिक मतलब झुंड बना के ये भाई और हम दोनों लोग मतलब घेर लिया सबने, क्वेश्चन पे क्वेश्चन। तो एक ऑनर है अमित भाई के लिए और मेरे लिए भी ऑनर की बात है कि मैं भाई के साथ आज बैठ के वीडियो बना रहा हूँ। थैंक यू भाई। और अभी कितने बज रहे हैं? 1 बज रहे हैं क्या रात के? 12 बज रहे हैं। 12 बज रहे हैं, थक गए यार, फिर भी चलो देख लो।
झूठ नहीं बोल रहे अभी तभी आंखें चढ़ी हुई है ना, एकदम ऐसा लग रहा है कि तो कैसे इसको सेल करेंगे, क्या क्या तरीके सेल करने के वो बता दीजिए जरा। देखो जैसे अभी अगर आपके पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, आप नॉर्मल अपनी ट्राई कर सकते हो कि आप एड चला सकते, लेकिन एड्स के थ्रू सेल नहीं होगी। ये लोग बहुत बड़ी गलती करते हैं, ये लोग फेसबुक एड चलाते हैं, सोचते हैं कि हमारी डायरेक्ट सेल वहाँ से होगी। आप क्या कर सकते हो, आप लोगों का ईमेल कैप्चर कर सकते हो। स्टार्टिंग में आप उनको एक फनल में डाल सकते हो, 3-4 ईमेल्स उनको भेजिए, अपने बारे में बताइए, 5वां ईमेल आप उनको बोल सकते हो कि हमारा प्रोडक्ट है उसी से रिलेटेड। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, मतलब अगर आप इसमें घुसोगे थोड़ा एक लंबा प्रोसेस है। नॉर्मल अगर देखो ये तो थोड़ा सा है, फेसबुक पे आप शेयर कर सकते हो कि मैंने, देखो आपके पास कम्युनिटी है तो आप उनके साथ शेयर कर सकते हो। इवन आप तो Amazon Kindle पे भी बेच सकते हो। हाँ। उनका जो प्लेटफॉर्म है KPDA, पता नहीं नाम मेरे को याद नहीं है, वहां पे आप इजीली सेल कर सकते हो। इंस्टा मोजो बेस्ट प्लेटफॉर्म है, उसको प्रमोट करिए। आप कोई भी अपने सोशल मीडिया पे शेयर करिए, आप अपने जितने आपके बेसिकली आपके पास एक ऑडियंस होनी चाहिए, थोड़े लोग होने चाहिए, तभी आप शेयर कर सकते हो अपनी चीजों को। और जाहिर सी बात अगर आप कुछ ऑनलाइन कर रहे हैं तो आपकी थोड़ी बहुत ऑडियंस होगी, इंस्टाग्राम फेसबुक यूट्यूब कहीं भी तो ऑडियंस होगी, तो आप उन लोगों को ये चीजें बता सकते हो कि मैंने ई बुक लिखी है और काफी वैल्यूएबल है, काफी मतलब वैल्यूएबल है, तो आप ट्राई कर सकते हो, देख सकते हो आप लोग। और हालांकि मैंने एक वीडियो बनाई थी इसके ऊपर कि आप अपनी बुक्स को किस तरीके से प्रमोट कर सकते हो, आप उसको भी देख सकते हो, मेरे चैनल पर पड़ी हुई है। बाकी एक मैं बताना चाहूंगा, अगर आप फेसबुक ग्रुप में प्रमोट करना चाहते हो तो ऐसे ग्रुप पकड़ो जो कि आपके नीश, जो भी आप ई बुक लिख रहे हो उसके रिलेटेड हो, और उनके ओनर्स को जो है उनके एडमिन से उनको पकड़िए, उनको बोलिए कि भाई हम ये प्रमोट करना चाहते हैं और कुछ परसेंट कमीशन आपको जितनी सेल होगी आपको दे देंगे, सिंपल, वहां पे भी प्रमोट कर सकते हो। बढ़िया, तो फाइनली एक आप लोगों को छोटा सा मतलब ई बुक के बारे में एक आइडिया मिल गया रहेगा, काफी मोटिवेशन मिला रहेगा, क्योंकि भाई ने ई बुक सेल करी है, और ऐसा नहीं कि 2-4 सेल करिए, काफी अच्छे मात्रा में सेल, जैसा कि उन्होंने बताया कि 4-5 एक दिन में सेल हो जाती है। 4-5 बोले तो अगर 150 के हिसाब से जोड़े तो 1575-750 रुपए आराम से, मतलब एक पैसिव इनकम हो रहा है महीने का 20,000-25,000 आराम से, महीने का 20,000-25,000 पैसिव इनकम है भाई। और तो वही सही है, हाँ वही हमेशा बोलते ना कि एक प्रोडक्ट रखो, प्रोडक्ट बनाओ, प्रोडक्ट को सेल करो, बट प्रोडक्ट में दम होना चाहिए, ठीक है ना, प्रोडक्ट बनाइए और उसको फिर मार्केट करिए नॉर्मल। तो अभी तक इनका मतलब टोटल इनकम कुछ 1.5-2 लाख हो गया रहेगा सिर्फ ई बुक सेल करके, और ऐसा नहीं कि बहुत टाइम से कर रहे हैं, अभी बहुत जल्दी इन्होंने किया था, 6-7 महीना हुआ इनको ई बुक सेल करते हुए। तो आप लोग भी किस चीज का इंतजार कर रहे हैं, और आप लोग भी बना सकते हैं यार, ई बुक्स बना सकते हैं, या फिर कुछ तो स्टार्ट कीजिए, कुछ तो प्रोडक्ट बनाइए, आपको एक आइडिया लग गया रहेगा कि हाँ क्या क्या चीजें मतलब पॉसिबल है, कहाँ कहाँ से हम लोग अर्न कर सकते हैं। तो एक पैसिव इनकम का एक छोटा सा काफी बढ़िया तरीका था ई बुक का, तो उम्मीद करते हैं कि आपको काफी अच्छी जानकारी मिल गई रहेगी। ऐसी जानकारी के लिए आप इनके चैनल को जरूर चेकआउट करें, जरूर देखें, नीचे लिंक मिल जाएगा आपको। और फिलहाल अगर आप चाहे तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं मुझे, द सतीश कुशवाहा करके इंस्टाग्राम हैंडल है, और भाई को आप फॉलो कर सकते हैं, भाई का है AKA अमित मिश्रा एज नोन एज, ठीक है, लगा दी। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया रहेगा, वीडियो देख लिया अगर आपने यहाँ तक तो लाइक किए बिना मत जाना, और अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब करो, अगर भाई के थ्रू आ रहे तो भी सब्सक्राइब करो, क्योंकि मैं ऐसे ही इंस्पायरिंग वीडियोस बनाता रहता हूँ, साथ में अपनी लाइफस्टाइल वीडियोस मतलब लाइफस्टाइल ब्लॉग्स भी लेके आता रहता हूँ। और वीडियो शूट कर रहे हैं हमारे पीछे हैं हरीश भाई, तो उनको भी एक छोटा सा शाउट आउट। चलिए ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए थैंक्स, मिलते हैं किसी ऐसे इंस्पायरिंग वीडियो में, लाइक जरूर करना। तो बने रहो इस चैनल पे, यहाँ कंटेंट है दमदार, लाइक करो इस वीडियो को अगर लगे मजेदार, शुक्रिया है आप सबका, अब चलता हूँ अपने रास्ते, देवियों और देवताओं को करता हूँ मैं नमस्ते।